असलम स्टूडेंट्स वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर इन एफ एस सी पार्ट टू मैथमेटिक्स फर्स्ट लेक्चर में हमने फंक्शन के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था हमने फंक्शन को डिफाइन किया था हमने देखा था कि फंक्शन बेसिकली दो वेरिएबल्स में एक रिलेशन है कि जिसमें एक वेरिएबल के लिए दूसरे वेरिएबल की हमें सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिलती है अगर हमारे पास y और x वेरिएबल्स में एक रिलेशन है और x की हर एक वैल्यू के लिए y की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू अगर आती है तो हम कहते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x तो उसके हमने प्रॉपर नोटेशन को भी सीखा था और फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करना सीखा था तो आज के लेक्चर में हम फंक्शन के ग्राफ को डिस्कस करेंगे और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर हमें कोई मैथमेटिकल इक्वेजन दी हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये इक्वेजन फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है कि नहीं ये ऐसी अगर हमें ग्राफ दिया हो तो ग्राफ से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन बेसिकली दो वेरिएबल्स एक्स और वाई के दरमियान एक इक्वेजन है और ये ऐसी इक्वेजन है जिसमें एक्स की हर एक वैल्यू के लिए वाई की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होगी अगर यहां पे मैं कुछ इक्वेशंस लिखूं बिटवीन वेरिएबल्स लिखू एंड दाई यहां पे फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशंस लिखता हूं वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव तो इन दोनों इक्वेशंस में हम देख सकते हैं कि हम x को कोई भी वैल्यूज यहां पे दें तो x के हर एक वैल्यू के लिए हमें y की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी तो इस इक्वेजन में y वाई में y एक्स का फंक्शन है यानी ये इक्वेजन फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है सो हेयर सो दिस इज दिस इक्वेजन इज अ फंक्शन सो ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है और इस तरह सेकेंड इक्वेजन में भी एक्स के हर एक वैल्यू के लिए हमें वाई की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी तो ये भी एक फंक्शन है सो वाईकल टू टू एक्स अ फंक्शन वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स और अगर हम एक और इक्वेशन ये कंसिडर करें सपोज वाई स्क्वेर इज इक्वल टू एक्स तो अब सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स तो सपोज यहां पे मैं एक्स को एक वैल्यू कोई भी वैल्यू प्लग इन करता हूँ एक्स की जगह तो so, x को सपोज मैं यहां पे फोर ले लू सपोज x इज फोर तो ये बन जाएगा y स्क्र इज इक्वल टू फोर और अगर इसको मैं y के लिए सॉल्व करूं बाय टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा वाई स्क् स्क्वेयर रूट टू फोर स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू अब स्कोयर रूट ऑफ फोर जो होगा वो प्लस टू भी हो सकता है और माइनस टू भी हो सकता है क्योंकि प्लस टू का स्क्वायर भी फोर होता है और माइनस टू का भी पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में लिखा जाता है तो प्लस माइनस टू इट मीन्स वाई जो है वो प्लस टू भी हो सकता है और माइनस टू भी हो सकता है इट मीन्स यहां पे हमने एक्स को एक वैल्यू दी लेकिन लिए हमारे पास वाई की दो डिफरेंट वैल्यूज आ गई तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को कंट्रोडिक्ट करती है बात तो फंक्शन में हमें वाई के सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिलनी चाहिए तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो इक्वेजन है y x, तो ये यहाँ पे वाई जो है वो एक्स का फंक्शन नहीं है तो ये इक्वेजन फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती सो दिस इक्वेजन इज नॉट अ फंक्शन सो दिस इज नॉट अ फंक्शन तो इससे ये पता चला कि हम जो भी मैथमेटिक्स में इक्वेजन लिखते हैं कनेक्टिंग टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई तो कुछ इक्वेजन ऐसी होती हैं कि जो फंक्शन नहीं होती तो सारी की सारी जरूरी नहीं है कि हर एक इक्वेजन जो वो फंक्शन हो तो हमें कैसे पता चलेगा जिस तरह देखें हमने यहां पे देखा कि ये दो फंक्शन हैं ये नहीं हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी इक्वेजन बगैर उसमें प्लग इन किए हमें कैसे पता चलेगा कि वो इक्वेजन फंक्शन है कि नहीं तो हमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर को देखना है अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर जो है वो कोई भी इवन नंबर आ रहा हो लाइक टू फोर सिक्स एट ऑन तो वो इक्वेशन जो है वो फंक्शन नहीं होगी जिस तरह कि यहाँ पे टू आ रहा है वाई स्क्वे तो ये फंक्शन नहीं है इस तरह वाई टू दावर फोर आ जाए वो भी फंक्शन नहीं होगा लेकिन अगर कोई ऑड पावर हो तो फिर ये फंक्शन होगा तो इसी तरह y टू पावर फोर इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव तो ये भी फंक्शन नहीं है क्योंकि यहां पे y की एक आ तो नॉट अ फंक्शन ओके यहाँ पे सपोज वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स तो ऑड पावर है तो ये फंक्शन है इज अ फंक्शन ठीक इसी तरह सो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क् प्लस फाइव दिस इज अ फंक्शन सो हेयर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो हमें इक्वेजन्स को देख के ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वो इक्वेजन फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है या नहीं अब हम फंक्शन के ग्राफ के बारे में बात करेंगे यानी कोई भी फंक्शन हमें दिया हो तो उसका हम ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं फंक्शन को हमेशा हम किसी एक मैथमेटिकल फार्मूला या इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली वो दो वेरिएबल्स एक्स या वाई या कोई भी वो डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई एक इक्वेशन होती है तो फंक्शन का ग्राफ जो होगा बेसिकली उस इक्वेशन का ग्राफ होगा तो हम उस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमारे पास फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा तो हम फंक्शन के ग्राफ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं द्राफ ऑफन वाईक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन की रोटेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी यानी ये ये, ये ये शो करता है कि वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स या हमारे पास कोई इक्वेजन होगी जिसमें वाई एक्स का फंक्शन होगा फंक्शन वाइज इकल टू एफ ऑफ एक्स इज दाफ द इक्वेजन वाईज टू एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन का ग्राफ जो होगा बेसिकली वो उस इक्वेजन का ग्राफ होगा जो उस फंक्शन को रिप्रेजेंट करे जिस तरह के अगर हमारे पास फंक्शन हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्ट तो ये एक फंक्शन है यहां अ फंक्शन ऑफ ग्राफ ड्रा करने के लिए सिंपली हम इस इक्वेजन का ग्राफ ड्रा कर देंगे तो जैसे कि आपको पता है कि किसी भी अल्जब्रेक इक्वेजन का ग्राफ हम कैसे ड्रा करते हैं तो यहां पे हम x और y की वैल्यूज का एक टेबल बना लेते हैं यानी हम x को डिफरेंट वैल्यूज देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और वाई की वैल्यूज आ जाती हैं, उनका एक टेबल बना लेते हैं फिर उन तमाम वैल्यूज को x, एक्स वाई यानी ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे वैल्यूज होंगी उनको हम एक्स वाई प्लेन के अंदर यानी कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और फिर उनको हम कनेक्ट कर देंगे तो इस तरह हमारे पास फंक्शन का ग्राफ आ जाए जिस तरह की यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन में अगर हम टेबल बना लें वैल्यूज का यहाँ पे हम टेबल में ये एक्स वैल्यूज़ है, है। हैं ये वाई वेल्यूज है माइनस टू पुट करता हूँ तो वाई मेरे पास फोर हो जाएगा एक्स को मैं सपोज माइनस वन पुट करता हूँ तो ये वन हो जाएगा एक्स को मैं जीरो पुट करता हूँ तो वाई जाएगा एक्स को मैं वन पुट करता हूँ तो ये वन हो जाएगा एक्स को मैं टू पुट करता हूँ तो ये फोर हो जाएगा इस तरह तो अब मेरे पास ये देखेंगे डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे तो माइनस टू काम फोर माइनस वन कॉमा वन जीरो कॉमा जीरो वन कॉमा वन एंड टू कॉमा फोर तो जस्ट ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए हमें पॉइंट्स मिल गए अब हम इन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर प्लॉट करें और कनेक्ट कर दें तो हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा सपोज ये हमारे पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन है दिस इज अवर एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो ये जीरो कॉमा जीरो पॉइंट हो जाएगा अब इसे देखें माइनस टू कॉमा फोर सपोज वन टू ये नेगेटिव टू है और फोर वन टू थ्री फोर तो नेगेटिव टू कॉमा फोर यहां पे कोई पॉइंट आ जाएगा ये प्लॉट कर दिया फिर माइनस वन कॉमा वन दिस इज माइनस वन एंड दिस इज वन ये पॉइंट आ गया फिर जीरो कामा जीरो पॉइंट आ गया वन वन ये वन है और ये वन है ये पॉइंट आ गया फिर टू फोर ये टू है और ये फोर है तो ये पॉइंट आ गया फिर इन तमाम पॉइंट्स को अगर हम आपस में ज्वाइन कर दें हमारे तो पास ये यानी इस फंक्शन का ये ग्राफ आ गया। तो फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना ऐसे ही है जैसे हम किसी भी इक्वेजन का ग्राफ ड्रा करते हैं अच्छा जिस तरह हमने पहले देखा था कि इक्वेजन अगर हमें दी हों तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या वो एक विजन फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है ये नहीं। इसी तरह हम ग्राफ के जरिए भी चेक कर सकते हैं कि वो ग्राफ जो है वो कोई किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक ये ग्राफ हो एक सो पेन के अंदर ये ग्राफ हो देखिए ये ग्राफ एक फंक्शन का ग्राफ था अब हम इस ग्राफ की अगर हम बात करें बेसिकली अगर आप देखा जाए तो ये ग्राफ है y, is, y square is equal to X. जो हमने देखा था कि फंक्शन नहीं है तो इट मीन्स ये जो ग्राफ है ये हमें कैसे पता चलेगा ग्राफ से कि ये फंक्शन नहीं है तो उसके लिए हम एक टेस्ट यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट तो हम यहां यानी कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रा करके देखेंगे अगर कोई भी वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर टच करें जहां पर टू पॉइंट्स पे टच करिए तो ऐसा ग्राफ जो है वो फंक्शन नहीं होगा ठीक है जिस तरह यहां पर अगर हम देखें यहां पर हम कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रा करें कोई भी वर्टिकल लाइन है वो ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगी तो ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है क्योंकि यहां पे वर्टिकल लाइन ग्राफ को टू पॉइंट्स पे टच कर रही है इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट तो इस तरह अगर हमारे पास ग्राफ्स दिए हों तो इस वर्टिकल लाइन टेस्ट को यूज करते हुए हम बता सकते हैं कि वो ग्राफ्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं डी स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम कुछ ग्राफ्स और कुछ इक्वेशंस देख लेते हैं और हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि किस सिचुएशन में हमारे पास y जो है वो x का फंक्शन है और किस सिचुएशन में वो फंक्शन नहीं है जिस तरह के अगर हम फर्स्ट ग्राफ की बात करें तो आपके ख्याल में क्या यहाँ पे y x का फंक्शन होगा यानी क्या ये ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो ग्राफ को चेक करने के लिए जैसे भी आपको मैंने बताया था कि हमने करने हैं। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज करना है तो हम वर्टिकल लाइन यहां पे ड्रा करके देख सकते हैं अगर कोई भी वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर टच करती हो तो वो फिर फंक्शन नहीं होगा तो यहां पे देखें अगर हम कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रा कर दें यहां पे कोई भी हम वर्टिकल लाइन ड्रा कर दें तो बेसिकली हम देखेंगे कि वो वर्टिकल लाइन जो है वो ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगी तो ये फंक्शन है ये ग्राफ जो है वो फंक्शन है इसी तरह यहां पे तो इसमें भी ये है कि यहां पे हम कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो वो ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी तो ये भी एक फंक्शन है इस तरह अगर हम थर्ड ग्राफ की बात करें तो यहां पर हम कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रा करें हम देख सकते हैं ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को दो पॉइंट पर टच करती है मतलब यहां पर भी और यहां पर भी तो ये ग्राफ फंक्शन नहीं है यानी यहां पे वाई एक्स का फंक्शन नहीं है इस ग्राफ में यहां पे देखें अगर हम कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं वो भी काफी पॉइंट्स पर टच कर रही है वन टू तीन पॉइंट्स पर टच कर रही है तो ये भी फंक्शन नहीं होगा और इसी तरह अगर हम यहां इन इक्वेजन को देखें तो क्या ये इक्वेजन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है यानी यहाँ वाई एक्स का फंक्शन होगा तो जैसे मेरा आपको बताया था अगर इक्वेजन दी हो तो हमने y की पावर को देखना है तो यहाँ पे क्योंकि y की इवन पावर है टू है तो ये इक्वेजन भी फंक्शन नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है एंड हाउ अबाउट दिस इक्वेजन क्योंकि यहां पे y की पावर वन है तो ये फंक्शन है सो दिस इक्वेजन इज अ फंक्शन तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम इक्वेजन से ये ग्राफ से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो इक्वेजन या ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात करेंगे सो अंटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज